हे गाइस, कैसे हैं सभी? आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल WCC2 गूगल वीडियो पे। मैं तो आपके लिए एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे WCB2 गेम को ओपन कर सकते हैं। आप बहुत से लोगों के अंदर ये जो गेम है वो नहीं चल रहा है, और बार बार ओपन कर दे तो वापस क्लोज हो जाता है। तो कैसे उसको ओपन करना है, कैसे उसको प्ले करना है, इस वीडियो में आपको 2 से 4 ट्रिक्स बताऊँगा, और उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज का वीडियो आप ही के लिए वही बनाया है मैंने स्पेशली। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, बिना किसी टाइम को बर्बाद किया वीडियो शुरू करने पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना लेटेस्ट गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस WCB2 गेम को किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है तो उसे इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपके गेम नहीं चल रहा है WCB2 गेम, तो अगर नहीं चल रहा है तो आप उस वेबसाइट से जिसी भी वेबसाइट से आपने या फिर कहीं से भी आपने प्ले स्टोर को छोड़ किया और या फिर ऐप स्टोर को छोड़ के इस गेम को कहीं से डाउनलोड किया है तो इस गेम को इंस्टॉल कर दीजिए। तो देखिए, मैं आज को वर्ल्ड कैपिटल 2 प्ले स्टोर के ऊपर तो मुझे WCB2 गेम दिख रहा है, और देखिए आप ओपन का मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, और कल मेरे को अपडेट भी आया था बक्सपिक्स अपडेट, तो वो भी मुझे मिल चुका है और मैंने अपडेट कर लिया है। अगर आपके कोई भी ऑप्शन नहीं आता इस तरीके का, यानी आपके ऐसा ऑप्शन आता है कि ये जो गेम है, जैसे कि इसमें आ रहा है कि यू डिवाइस इज नॉट मीन कंपेटेबल विद दिस वर्जन, अगर आपके ऐसे लिखा होता है कि आप ये जो गेम है आपके डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो इस गेम को आप किसी भी वेबसाइट डाउनलोड मत कीजिए, वो गेम आपके मोबाइल के अंदर नहीं चलेगा। यानी WCB2 गेम है वो आपके मोबाइल नहीं चलेगा। अधिकतर अगर 1 GB रैम का डिवाइस है आपका तो आपके मोबाइल में मुश्किल है कि ये गेम चले। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है और 1 GB रैम है तो आपके गेम चल भी सकता है WCB2 गेम 1 GB रैम के अंदर। अगली जो परेशानी है वो आप जाइए WCB2 गेम के ऐप इन्फो में, आप जो जो, जो जितनी भी परमिशन है वो सबको ओपन कर दीजिए, कॉन्टेक्ट इसके अलावा लोकेशन, इसके अलावा स्टोरेज की जो भी परमिशन है वो WCB2 गेम को दे दीजिए। आप WCB2 गेम के ऐप इन्फो में जाएंगे तो आप ये सारी परमिशन इनको दे सकते हैं। इसके बाद आपको गेम को ओपन कर लेना है। तो देखिए, गेम ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, मतलब टेप टू कंटिन्यू का ऑप्शन आता है तो आप आराम से 1 से 2 मिनट का वेट कीजिए, आराम से वेट कीजिए, नेट को ओपन रखिए, और उसके बाद में टेप टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिए। टेप टू कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जिस गेम से आपने इस गेम जिस आईडी से आपने इस गेम को लॉगिन कर रखा है तो उस आईडी से आपको लॉगिन नहीं करना है, किसी और आईडी से आप इस गेम को लॉगिन कीजिए, उससे क्या होगा आपको गेम चल जाएगा। वैसे तो इनकी कंपनी बक्सपिक्स अपडेट लेके आ चुकी है, तो जैसे आपको एरो का निशान दिख रहा होगा साइन इन के ऊपर आपको विद गूगल प्ले के ऊपर क्लिक करना है, और किसी और आईडी से आपको इस गेम को लॉगिन करना है। और अगर फिर भी गेम नहीं चलता है तो एक ट्रिक और भी मैंने आपके लिए बचा के रखी है, तो उस ट्रिक को आप फॉलो करके गेम को रन करा सकते हैं। वैसे तो आपके ये गेम चल जाएगा, फिर भी नहीं चलता है तो WCB2 की जो कंपनी है वो एक और अपडेट लेके आएगी आप सभी के लिए, तो उस अपडेट के बाद में ये गेम पक्का आपके चल ही जाएगा। तो देखिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आप देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो गेम है वो चल चुका है साइनिंग, और आपके नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि अपनी जो आईडी है जिससे आपने लॉगिन कर रखा है इस गेम को, उसे लॉगिन नहीं करना है, दूसरे आईडी से लॉगिन करना। और अगर आपके 1 GB रैम है या 2 GB रैम है तो आपको क्या करना है, अपने जितने भी आपके जो मोबाइल में आपको रिसेंट ऐप है उसमें सब सारे गेम और ऐप को हटा देना है, केवल WCB2 गेम को रखना है। और आपको क्या करना है, अपना जो गूगल प्ले गेम है उसे ओपन कर लेना, उस ऐप को ओपन कर लेना। उसके बाद जैसे आपको आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके जो आईडी सेलेक्ट कर रखी है आपने, तो उसी जगह को दूसरी आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी DLoyan02C2 नाम की आईडी सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आप दूसरी नाम की आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कि जो भी आपकी आईडी सेलेक्टेड है उसको आपको चेंज करके दूसरी आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको WCB2 गेम को फिर से ओपन करना है, सारा डेटा क्लियर करना है WCB2 गेम को, उसका जितनी भी परमिशन है वो सारी परमिशन आपको WCB2 गेम को दे देनी है, फिर उस गेम को ओपन कर लेना है। तो छोटी सी ये ट्रिक है, इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप आसानी से इस गेम को अपने मोबाइल के अंदर प्ले कर सकते हैं। और फिर भी गेम प्ले नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आ जाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।